राम नाम सत्य है। मामला मुकेश सहनी के पिता की हत्या का है तो दरभंगा से लेकर पटना तक पुलिस प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। सबसे पहले दरभंगा पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पुलिस को अहम सुराग भी मिले। वारदात वाले कमरे में 3 खाली ग्लास मिले। घर के पीछे फेंका हुआ लाल रंग का अलमीरा भी मिला जिसमे कुछ अहम कागजात थे। जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ FSL की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध को घर के आसपास लगे CCTV फुटेज के आधार पर हिरासत में ले लिया। इससे पहले पुलिस ने खाना बनाने वाली महिला और दूध वाले को हिरासत में लिया था। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। आसपास के CCTV फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। CCTV फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। पुलिस की ओर से SIT का भी गठन किया गया है। इस टीम को लीड कर रही दरभंगा के ग्रामीण SP काम्या मिश्रा ने दावा किया कि पुलिस को जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं। हर एंगल से जांच जारी है, जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हमारे पास जो है काफी सारे एविडेंसेस जो है अभी हमारे हाथ लगे और अब उसको लेकर के हम लोग अगर आपसे लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे। हम सारे एविडेंसेस को सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। चोरी लूट सहित कई एंगल से पुलिस इस हत्याकांड की जाँच कर रही है। पेट और हाथ पर कई बार चाकू से वार किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन पुलिस को अब तक नहीं मिला, पर जो सवाल पुलिस या जांच के दौरान उठ रहे वे ये कि क्या है कमरे में 3 खाली ग्लास का राज। ग्लास का इस्तेमाल करने वाले 3 लोग कौन थे? घर में जो घुसे थे क्या वो जान पहचान वाले थे? क्या लाल बक्से में छिपा है मौत का राज? खाना बनाने वाली महिला दूध देने वाले पर शक क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द मिलने का पुलिस ने दावा किया है। News 18 के लिए दरभंगा से विपिन दास, पटना से शैलिन, अमित और संजय कुमार की रिपोर्ट।